हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर टू यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक डायनोफ्लैजेलेट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इस टर्म को समझना है। टर्म आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, डायनोफ्लैजेलेट्स। कौन सा टर्म आपको दिख रहा है? डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, कुछ और ना भी हो तो आपको इतनी बात यहाँ पे समझ आ रही है कि यहाँ पे फ्लैजेला टर्म भी यूज किया गया है। ठीक है, इट मींस कि इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। आसान हो गया। पहली बात तो ये कि ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। ठीक है, और एक और चीज जो ये खुद ही टर्म अपने आप को क्लियर कर रहा है यहाँ पे, वो क्या है कि इसके पास फ्लैजेला टू होते हैं। मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं उनके पास टू फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये टर्म जो है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड्स में अगर हम इसकी मीनिंग को देखना स्टार्ट करें तो इसका मतलब क्या होता है? वर्लिंग स्विमर्स। क्या मतलब होता है इसका? वर्लिंग स्विमर्स। ठीक है, तो डायनोफ्लैजेलेट की लैटिन वर्ड मीनिंग जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल के सामने आता है? वर्लिंग स्विमर। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये आसानी से फ्लैजेला को कंटेन करने की वजह से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? डायनोफ्लैजेलेट्स बोला गया है। फ्लैजेला का नंबर कितना है? टू है। अभी तक आपने कुछ रटा नहीं है और आपने कुछ भी याद नहीं किया। आपको यहाँ पे क्या करना है? कॉमन सेंस अप्लाई करना है अपना। ठीक है, देन कोई भी कैटेगरी जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, उसको जब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, इवन कोई एनिमल ही क्यों ना हो या कोई स्पेसिफिक प्लांट हो, सबसे पहले उसके हैबिटेट को मेंशन करते हैं। ये मैंने आपको हर क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो इसका हैबिटेट जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो एक्वेटिक तो है ही है। ठीक है, अब एक्वेटिक में यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्वेटिक में कैसा है ये, कौन से वाटर में सर्वाइव करता है? मोस्टली मैरीन होंगे ये, और उसमें भी 90% प्लैंकटन्स के फॉर्म में सर्वाइव करेंगे। प्लैंकटन्स मतलब वाटर करंट जिधर जिधर जाएगा, अगर लेफ्ट जा रहा है तो ये भी लेफ्ट को जाएगा, राइट जा रहा है तो ये भी राइट को जाएगा। ठीक है, तो मतलब जिधर वाटर करंट जा रहा है उधर ये खुद को मूव कराएंगे। तो पैसिवली बिना कोई एनर्जी खर्च किए ये वहां पे मूव करने का काम करेंगे, उसके ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोटिस्टा कैसे है? फ्लैजेला के साथ है। प्रोटिस्ट विद फ्लैजेला कितना नंबर है उनका? टू है। मोस्टली उनके पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, आसान हो गया, बहुत आसान है ये। आपको इसको स्टोरी की तरह याद करते जाना है। अगर हर चीज को आप ऐसा सोचेंगे कि हमें रट के जाना है तो एग्जाम में आप उससे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, देन अब ये ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि ना तो कम्प्लीटली प्लांट लाइक है ना ही कम्प्लीटली एनिमल लाइक है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे आपको इसके फोटोसिंथेटिक मतलब मोस्टली फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, प्लस ऐसे फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करने का काम करेंगे, मतलब प्रेडेशन भी शो करेंगे ये। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? नीदर प्लांट नॉर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब कलर की बहुत वेरिएशन होती है इसमें, बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका सीधा सा ये मतलब निकलता है कि जब कलर बहुत सारे हैं तो यहाँ पे पिगमेंट भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दैट इज पिगमेंट्स के ऊपर जब डिस्कशन आता है तो उसमें दैट में भी क्लोरोफिल और कैरोटीन और सेवरल ग्रुप ऑफ ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स के भी कुछ वहां पे वैरायटी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने ये पॉइंट लिख ही दिया है तो इसके बेसिस पे क्लियर हो गया ऑलरेडी कि ये कलर में कैसा होगा। येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई बहुत टफ सा पॉइंट नहीं है। ये इसको कनेक्ट करने का पिगमेंट
के साथ कनेक्टेड पॉइंट है, ठीक है। फ्लैजेला के ऊपर हम यहां से डिस्कशन करते आ रहे हैं, डाइनो फ्लैजेलेट होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डी मीन्स टू होता है मोस्टली, ठीक है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि इसके पास फ्लैजेला मोस्टली, मैंने शुरू में भी लिख रखा है, दो फ्लैजेला होते हैं इनके पास। अब एक फ्लैजेला कैसे होगा कि जो डाइनो फ्लैजेलेट होगा उसको इंसर्कल करने का काम करेगा, जैसे बेल्ट लगाते हैं आप, उसको क्या करेगा, इंसर्कल करने का काम करेगा, ठीक है। वन इंसर्कलिंग द सेल लाइक अ बेल्ट, आसान हो गया। देन जो दूसरा बचा, सेकेंड जो है यहाँ पे, द अदर परपेंडिकुलर टू इट, दूसरा जो है वो उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और फ्लैजेला है तो ये अपना रोल भी यहाँ पे प्ले करता है, किसमें, इसके लोकोमोशन में, ठीक है। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, बट कुछ इसके ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं जो प्रिडेशन शो करते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, इंजेशन ऑफ प्रे करेंगे, ठीक है, प्रे के ऊपर, प्रे को फीड करके उसको, उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे, ठीक है। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज रेड टाइड, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है जो कि इस मेंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके लिए ये पूरी कैटेगरी जानी जाती है, ठीक है, रेड टाइड। अब इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब होता यह है कि इसका एक मेंबर है जिसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स, क्या नाम है, गोनियोलेक्स, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है वैसे इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या, मैंने बोला गोनियोलेक्स, जी ओ एन वाई ए यू एल ए एक्स, ठीक है, ये रेड कलर का होता है, पहली चीज, फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताई, इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। सेकेंड थिंग, ये बहुत रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने नंबर को बहुत ज्यादा ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वहां का जो वाटर सरफेस है वो रेड दिखना स्टार्ट होता है, यहां तक तो ठीक है, बट यहां पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, टाइड टर्म यूज कर रहे हैं यहां पे। अब उसकी सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा रीजन ये है उसके लिए, क्योंकि ये क्या करता है, एक टॉक्सिन सिक्रीट करने का काम करता है, क्या करता है, टॉक्सिन सिक्रीट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेंजरस हो गया जब आप इसको कंपेयर करेंगे एल्गल ब्लूम के साथ, ठीक है। तो ये टॉक्सिन भी सिक्रीट कर रहा है और ये अपने टॉक्सिन से बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचा रहा होता है, ठीक है। अब ये टॉक्सिन क्या है, येसोटॉक्सिन्स बोलते हैं इनको, ठीक है, और शॉर्ट में इसको YTXs बोला जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डेंजरस फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेड टाइड का नाम यूज किया गया है, रेड टाइड टर्म इसको दिया गया है स्पेशली, नहीं तो हम कुछ और भी कॉमन सा नाम लिख सकते थे, रेड तक तो ठीक है, बट टाइड बोला जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेशल है इसके रिगार्डिंग। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है, आसान हो गया। तो रेड टाइड में क्या होगा कि सी का कलरेशन हो रहा है, सी किसी स्पेसिफिक कलर का दिख रहा है, बट वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोनियोलेक्स एंड द कलर ऑफ गोनियोलेक्स इज रेड, आसान हो गया, ठीक है। द कलरेशन ऑफ द सी इंटू रेड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेड डायनोफ्लैजेलेट्स गोनियोलेक्स इज टर्म्ड एज रेड टाइड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेड टाइड बोलते हैं, आसान हो गया, ठीक है। देन इसका जो सेल वॉल है, इसमें, इसकी आउटर कवरिंग में स्टिफ मतलब हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है, उसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कैसा होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझने के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे इसको रटना है बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये, आप समझ लीजिए, किसी भी चीज को वो ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है।
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे मोस्टली असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब फीजन का फॉर्म होता है और उसे ये क्या करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का, मतलब अपने नंबर को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बट बहुत कम मेंबर्स में होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मेंशन किया मैंने, सेक्सुअल मोड सीन ओनली इन सम ऑफ देम, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। एक एग्जांपल तो अभी तक एक्सप्लेनेशन में आपने ऑलरेडी याद कर लिया है, दैट इज गोनियोलिक्स, ठीक है। अब एक दूसरा मेंबर क्या है यहाँ पे, उडीनियम है। दूसरा मेंबर क्या है, उडीनियम है, ठीक है। थर्ड मेंबर यहाँ पे क्या है इसका, नॉक्टिल्यूका। थर्ड मेंबर क्या है, थर्ड मेंबर इज नॉक्टिल्यूका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए अब जाके ये जो कैटेगरी है, ये जो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग डायनोफ्लैजेलेट्स, ये बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। यहाँ पे पिगमेंट्स वैरायटी के प्रेजेंट होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है। एक क्या होगा, इनसर्कल करेगा उस ऑर्गेनिज्म को, दूसरा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा, ठीक है। रेड टाइड कॉज करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोनियोलिक्स जो कि रेड मेंबर है इसका, ठीक है, उसके अबंडेंस में मतलब रैपिड मल्टीप्लीकेशन की वजह से वो वाटर सरफेस कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। नाम क्या दे दिया इसको, रेड टाइड्स का नेम दे दिया है, ठीक है। स्पेसिफिक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, जिसको शॉर्ट में YTHs भी बोला जाता है, येसो टॉक्सिन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसको फटाफट समराइज कर दिया है बहुत आसान से एग्जाम्पल से, इसके विच आर गोनियोलिक्स, ओडीनियम एंड नॉक्टिल्यूका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।